हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। अभी एक अनदर वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं केरला में हूँ और मैं अभी जाने वाला हूँ जटायु रॉक। तो उसके लिए मेरे को ये रूम चेकआउट करना है, सामान सब बिखरा पड़ा है वो सब क्लियर करना है, फिर रूम चेकआउट करके फिर बस पकड़ के जटायु रॉक के ले जाऊँगा। और 1 बज रहा है, मैं बहुत लेट हूँ, मुझे खुद मालूम है, लेकिन क्या करें, मैं कल इतना चला था, मैं थक गया था, पूरा इतना ही थक गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इतना ही मतलब टायर्ड था पूरा। कल आके ही रूम में चेक इन करने के बाद पूरा बहुत ही सो के 9 बजे करीबन उठा हूँ। और अभी सुबह मैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल गया था, टेम्पल से दर्शन करके आ गया हूँ। अभी मैं निकल जाऊँगा जटायु रॉक के लिए। उसके लिए मुझे पहले जो सामान देख रहे हैं ना पड़ा हुआ है, ये जो सामान देख रहे हैं सब इधर उधर सब पड़ा हुआ है, इसको सब पैक करना है, अच्छी तरह से पैक करना है। पैक करने के बाद मैं निकल जाऊंगा। और मेरे को लग रहा है मैं शायद 2 बजे निकलूँगा, तो 3 बजे पहुँच के वहाँ जो भी देख के फिर मेरे को कोलम पहुँचना है शाम के अंदर। फिर वहाँ कोलम में एक होटल लेना और पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले सामान पैक करता हूँ, उसको आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ। टाइम हो गया है अभी निकलने का, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और इतना आलसीपना आ गया था बोले मत। मैं बैग रेडी कर लिया, करने के बाद फिर मतलब 5 मिनट की जगह 1 घंटा में लेटा रहा, मोबाइल चलाता रहा। फिर उसके बाद इसके भाई का वीडियो देखा, थोड़ा एनर्जी आ गया। अभी निकलते हैं, लंच करने का टाइम है। मैं अभी जाने के बाद कहीं पर देखूँगा अच्छा होटल मिले तो वहीं पर लंच कर लूँगा। लंच करने के बाद सीधा बस पकड़े जटायु रॉक पहुँच जाए, क्योंकि वो शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो मेरे बस मिनिमम 1 से 1.5 घंटा लगेगा लग रहा है जटायु रॉक बस में जाने में। और फिर उसके बाद फिर कोलम आना है रिटर्न, तो उसके फिर और टाइम लगेगा। अभी मेरे को लग रहा है 7, फिर कोलम आते जाते 7 बज जाएगा। तो निकलते हैं, टाइम हो। मेरा बैग रेडी है और एक बार रीचेक कर लेते रूम में कुछ छूटा तो नहीं। शायद मेरे हिसाब से तो सब टोटल क्लियर हो चुका है, कुछ भी छूटा नहीं है। फिर भी चेक करने में क्या जाता है, जो था इसी बेड में था और सोफे में बस, और तो कुछ कहीं पर रखा ही नहीं कुछ सामान। टाइम हो चुका है निकलने का, बाय बाय। अगली बार मैं नेक्स्ट ट्रिप पे आऊँगा सामान थोड़ा कम करूँगा, ये बहुत ज़्यादा हीवी हो जा रहा है। इतना घूमना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है, उसमें अभी सामान आप अगर लोड कर लो तो फिर हालत ख़राब है। अभी पसीना से ये शर्ट फिक जाएगा और ये बहुत ही तकलीफदायक है। सुबह मैं उठा, जब आइटनरी खोला तो मेरे को चिंतित मैं डाल दिया था मेरा मोबाइल ने। मतलब मैप ने बताया कि केरला में बहुत ही जोर का बारिश होने वाला है, पर यहाँ देखो साला कड़कती धूप, ये उजाले इनको कैसे झेलना है अभी मेरे को ही नहीं मालूम। मुझे बस जैसे भी करके पकड़ना है, मैं बहुत ही आलसीपना में रह गया था। अभी पहुँचते बस स्टैंड, यहाँ पे बस अड्डा में भी प्लेटफॉर्म नंबर सब है, तो उन्होंने बोला कि 60 या 70 में मिल जाएगा। तो उसी देखिए हर स्लॉट में, हर खम्भा में लिखा हुआ है 80, 90, 20, तो ये सारा 60-70 तो बहुत दूर जाएगा। इतना दूर पहुँचने के लिए मेरे को लग रहा है 1/2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यही जाता है ना जटायु, जटायु ये के लिए जाने के लिए जाएगा ना, चढ़ाई मंगल हाँ हाँ इसमें जाएगा जाएगा जो कब जाएगा वो नहीं मालूम। बस स्टैंड से उतर गया था,
खुला? 5 o'clock में बंद हो जाएगा, क्लोज। अच्छा अच्छा, लेट तो हो गया था, अभी टेम्पू लेके हम लोग मतलब ले लिया, अंकल ने बोल दिया कि 5 बजे बंद हो जाता है जटायु रॉक सेंटर। तो जटायु रॉक सेंटर के लिए वो खुला रहे, कितना टिकट 500 कुछ है, तो उसको देखने के लिए मिल जाए। और इसीलिए मैं ATM गया था, ATM से पैसा निकाले हुआ, पैसा निकालने के बाद अभी निकलते हैं आगे। खूब आराम से जाके मैं आ जाऊँ वहाँ से, मतलब देख के, क्योंकि मैं तो खुद लेट लेती हूँ, मंदिर मतलब वो खुला रहा है, इतना देर दूर से सफ़र किया हूँ, नहीं तो फिर बर्बाद, सब बर्बाद हो जाए। मेरे लिए दिक्कत है लगेज का, ये लगेज अगर रखने के लिए भी जगह होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका भी। और क्लॉक रूम का चार्जेस है क्या? नो चार्ज ना, 20। फर्स्ट एंड फर्स्ट ओके, वन टिकट। हाँ, बिट्टू कुमार 236 मोबाइल 236। केबल कार्ड का प्राइस अलग है क्या? अलग है। अगर उसको नहीं लेना चाहिए तो कैसा होगा फिर? नहीं नहीं, केबल कार्ड मैंडेटरी। मैंडेटरी ना, वही तो मैं बोला, यहाँ से एक साथ चार्जेस का काट लेते हैं, मतलब ऊपर अलग टिकट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किधर से रास्ता, किधर से समझा नहीं, स्ट्रेट एंट्री को दे टाइम मोड है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। डाउन, ओके। ये लोग वहाँ एंट्री के लिए 236 रुपीस ले रहे हैं, एंट्री के लिए 236 रुपीस, जो जटायु सेंटर है तो उसका 236, फिर केबल काट के लिए उसका अलग चार्जेस है, उसका फिर ऊपर जाके कितना लेंगे, शायद 200-250 लेंगे। और कुछ व्यूज तो इसी तरह का है कि हम क्या बताएं, चलो चलो आपको भी दिखाएं, साथ खुद भी देखें ये धूप ना। जी मैडम, ये कैमरा? हाँ कैमरा। ड्रोन? समझा नहीं। ड्रोन मतलब? नो, ओनली कैमरा। अच्छा, नो त्रेलो, ओके ओके, स्टैंड कैमरा स्टैंड। पूछ रहे थे कि ड्रोन कैमरा है कि नहीं आपके पास, मैं बोला नहीं, मेरे पास तो कैमरा है ही नहीं। अब किधर से फिर जाना है, रोड पे नीचे से? हाँ, इस दिस अंदर का भाई पूरा मस्त अलग ही है, पूरा मतलब साइलेंट। चार्जेस वैसे ले रहे हैं ना, 500 रुपीज ले रहे हैं, मतलब 295 लिया एंट्री का, और सॉरी 236 ना, 239 लिया एंट्री का, 295 ले रहे हैं केबल कार्ड का। ये अगर आप बस में बैठते हो ना, तो आपका बाल का ऐसा के तैसा होना ही होगा, जो भी हो जाए।
प्रॉब्लम हो ही जाता है जो भी करता। एक डन हो गया, चंडी देवी भी हरिद्वार हो जाएगा, मानसी देवी भी हरिद्वार होगा, अंबाजी गुजरात ये भी कर लेंगे, काली देवी गुजरात ये भी, तारा तारा उड़ीसा ये स्टार्ट हो गया है। हाँ स्टार्ट हो गया है, हमारा उड़ीसा गया, हम लोग मैं गया भी हूँ और लेकिन मैं टेम्पू में गया था, जो तारा तारा उड़ीसा टेम्पू में गया था, तो टेम्पू से लेके गया था, लेकिन केबल कार्ड स्टार्ट नहीं हुआ और ये मालूम से चेक करा ला, ये कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा, मुझे भी मालूम और गिरनार गुजरात, गुजरात का एक जाओ तो एक बार तीनों कर लेंगे, एक दो दो। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आएगा केबल का, क्या मैं कभी बैठा नहीं हूँ और यहीं पे फर्स्ट एक्सपीरियंस आएगा, जो भी एक्सपीरियंस आएगा ना आपको क्लियरली बताता रहूँगा। लंच किया नहीं हूँ मैं, बहुत जोर का भूख लगा, बहुत यहाँ से रिटर्न जाने के बाद कोई होटल में देख के लंच कर लूँगा, फिर उसके लिए उसके बाद कोलम के लिए बस पकड़ लूँगा। और ये देखें यहाँ कितना देर लगेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलेंगे।